पायरिया को मसूड़ों का रोग भी कहा जाता है। पायरिया दांतों को सहारा देने वाले मसूड़ों और हड्डियों में सूजन व संक्रमण पैदा कर देता है। ये संक्रमण एक बैक्टीरिया के कारण होता है जो आपके दांतों व मसूड़ों में जमा हो जाते हैं। जैसे ही पायरिया बढ़ने लगता है, इसके प्रभाव से दांत व आसपास की हड्डियों को भी नुकसान पहुंचता है। अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो पायरिया सारे दांतों में बढ़ जाता है। पायरिया को ठीक करने के लिए आप डॉक्टर से इलाज अवश्य करवाएं। साथ ही आप इसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं, जिसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, तो जरूर ट्राई करिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ। किसी भी इलाज को जानने से पहले हमें उसके लक्षण जानना बहुत जरूरी है, जिससे आपको हेल्प मिल पाएगा कि आपके साथ भी अगर ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको भी पायरिया की समस्या है, तभी आप उसका इलाज आज से ही शुरू करें, उसको बढ़ने का मौका ना दें। पहला लक्षण क्या होता है? इससे हमारे मुंह में से, सांस में से बदबू आने लगती है। मसूड़ों का रंग लाल और बैंगनी हो जाता है। मुंह का स्वाद बिगड़ने लगता है। मसूड़ों से आसानी से खून बहना, धीरे धीरे ब्रश करने में खून आ जाना, ये सारे लक्षण हमारे सामने आने लगते हैं। मसूड़ों पर हाथ लगाने पर दर्द होना, बिना हाथ लगाए किसी दर्द का महसूस ना होना, दांत धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं, दांत हिलने भी शुरू हो जाते हैं, कुछ चबाने के दौरान दर्द होता है, मसूड़ों में सूजन आने लगती है। समय होने से पहले यानी बुढ़ापे से पहले ही आपके दांत गिरने भी शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि घर बैठे बैठे आप किस तरह से क्या इलाज करके अपने दांतों से पायरिया की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे है वो जान लीजिए। सबसे पहले एक छोटी अदरक लें, उसे अच्छे से धो लें और धोने के बाद तुरंत सुखाएं। फिर अदरक को कूट लें। कूटने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों को पायरिया वाले क्षेत्र पर लगाएं। लगाने के बाद 5 मिनट तक अदरक को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। फिर अदरक को निकालें और पानी लेकर कुल्ला करें। दूसरा तरीका, लौंग के तेल से पायरिया को दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें लेनी है एक छोटी चम्मच लौंग का तेल। सबसे पहले एक रुई लें और अब उसे लौंग के तेल में डुबोएं। डुबोने के बाद रुई को पायरिया वाले क्षेत्र पर लगाएं। लौंग के तेल को कुछ मिनट तक मुंह में रहने दें और फिर थूक दें। अब मुंह में पानी लेकर कुछ मिनट तक कुल्ला करें। इस उपाय को पूरे दिन में 2 बार करें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। तीसरा उपाय, इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। उसमें 2 से 3 बूंदे पानी मिलाएं। अच्छे से पूरे मिश्रण को मिला लें। ब्रश करने के बाद इस मिश्रण को दांतों की जड़ों में लगाएं और कुछ मिनट तक आराम से उंगलियों से मिश्रण को रगड़ते रहें। अब मुंह में गुनगुना पानी लें और अच्छे से कुल्ला करके इसको थूक दें। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। आपका जो पायरिया है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। आखिरी उपाय, प्याज के एक टुकड़े को तवे पर गर्म करके दांतों के बीच 15 मिनट तक रखें, उसके बाद कुल्ला कर लें। ऐसा एक हफ्ते तक करें। इसके इस्तेमाल से आपके पायरिया की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आई होप कि आपके मैं समस्या को अच्छे से खत्म कर पाई हूँ। आपको इसमें से कौन सी वाली टिप अच्छी लगी और आपने कौन सी वाली फॉलो करी तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। तो ऐसे ही हमेशा आप लोगों के लिए कुछ बेहतर लाऊंगी, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताती रहूंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।